एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुओ चेंगवान के ऊपर ड्रिंक फेंक कर यहाँ से चला जाता है और चेंगवान सभी लोगों को यहाँ पर वार्न कि अगर किसी को भी दोबारा ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा गया तो वो उसे यहाँ से सीधा निकाल देगी। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। सीन अब यहाँ से याओ पर आता है जिसे जियो इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो भेजते हैं क्योंकि वो इसे रिकॉर्ड कर रही थी। जब याओ देखता है कि चेंगवान के साथ ये क्या हो गया तो फटाफट से उसे मिलने के लिए आ जाता है जो कि उसे अपसेट देखकर उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर चेंगवान बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जैसे वो उसे टच करता है तो देखता है कि उसकी बॉडी काफी हॉट हो रही थी। इसलिए वो चेंगवान के मना करने पर उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर वो चेंगवान को इस सब के बारे में और सोचने से मना करता है और बोलता है कि अभी तुम बीमार हो तो आराम से हॉस्पिटल में रेस्ट करो। तो चेंगवान बोलती है कि पता नहीं मैंने क्या गलत किया है, मैं तो सिर्फ अच्छे से अपना काम करना चाहती थी, मैं ग्रैंडमा की तरह बनना चाहती जिसे कि सब लोग पसंद करे। इस पर याओ बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकती और तुम ऑलरेडी अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि लीडर बनना आसान नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन तुम्हें हमेशा फेस करनी पड़ेगी। इस सब के साथ साथ तुम्हें अपने होटल को भी आगे लेकर जाना है। अब यहाँ पर मूड को लाइट करने के लिए याओ थोड़ा सा मजाक करता है और बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मेरी नाक भेरी, जरा टिश्यू लेकर आओ ना। याओ यहाँ पर फनी वे में उसके फेस को क्लीन करने लग जाता है जो देखकर चेंगवान फिर से हंस जाती है और फिर याओ का हाथ पकड़ के उससे पूछती है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल भरोसा करता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। अगले दिन याओ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा होता है। वो चेंगवान को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें एक और दिन हॉस्पिटल में रुककर रेस्ट करना चाहिए था ना, पर चेंगवान बोलती है कि अब मैं ठीक हूँ और मैं थोड़ा सा बाहर घूमना चाहती थी, इसीलिए वो मॉल आई हुई थी जहाँ पर उसे अपनी एक पुरानी कलीग डुओ मिल जाती है जो चेंगवान को बताती है कि अब उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। जो सुनकर चेंगवान बोलती है कि वो उसके यहाँ क्यों नहीं जॉब कर लेती क्योंकि उसे शांगली में स्टाफ की ज़रूरत है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होकर मान जाती है और इस अपॉर्चुनिटी के लिए उसे थैंक यू बोलती है। सीन अब यहाँ से मॉम पर आता है जो जब घर के अंदर खाना बना रही थी तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है जिसे देखकर मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जाओ उनके लिए यहाँ पर स्नैक्स लेकर आया था और वो उन्हें खिलाता है जिससे कि मॉम थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है, फिर उसके लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। खाते वक्त मॉम उसके पास में ही बैठ जाती है और बोलती है कि कैसे उसने बचपन से उसे ज़्यादा अटेंशन नहीं दी है और उसके एफर्ट्स को हमेशा नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर भी जाओ हमेशा स्माइल करता रहा, इसीलिए वो उसे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि आगे से मुझसे कभी भी ऐसा नहीं होगा। जो सुनकर जाओ बोलता है कि मॉम ये सब पुरानी बातें हो गई है, इसीलिए अब इस सब के बारे में आप मत सोचो। तो मॉम उसे वापस से घर पर आकर रहने के लिए बोलती है। इस पर जाओ कहता है कि मैं अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पर काम कर रहा हूँ, जैसे वो केस फिनिश हो जाएगा ना तब मैं आप लोगों के साथ आकर रहूंगा, जो सुनकर मॉम खुश हो जाती है। इसी बीच चेंगवान भी नीचे आती है, पर जब वो इन दोनों को अच्छे से बात करता हुआ देखती है तो इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वापस से अपनी रूम में चली जाती है जहाँ पर उसे याओ का कॉल आता है जो यहाँ पर उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और बताता है कि वो आज रात को वापस आ रहा है। रात में अब जब मॉम बाहर झाड़ू लगा रही थी तभी कोई दरवाजे नॉक करता है। जब मॉम जाकर देखती है तो गेट पर कोई आदमी आया हुआ था जो मॉम से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर मॉम पूछते है कि तुम कौन हो, तो वो पर्सन बताता है कि मैं इस घर का ओनर हूँ। इस पर मॉम कहते हैं कि इस घर का ओनर तो याओ है, तो बताते हैं कि मैं याओ का फादर हूँ। ये बोल के घर के अंदर आने लग जाते हैं जो देखकर मॉम उन्हें झाड़ू से रोकती है और बोलती है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुम उसके फादर हो। लेकिन याओ के डैड सीधा घर के अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं जहाँ पर मॉम की आवाज़ सुनकर चेंगवान भी नीचे आ जाती है और मॉम से पूछने लग जाती है कि ये कौन है, तो वो बता देते हैं कि मैं याओ का डैड हूँ, जो सुनकर चेंगवान हैरान हो जाती है और मॉम को भी चुप रहने के लिए बोलती है। पूछने पर वो याओ के डैड को बताती है कि मैं चेंगवान हूँ, जो सुनकर वो कहते हैं कि अच्छा मेरी मॉम की तुम्हारे ग्रैंडपा से शादी हुई थी और अब तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो, बुलाओ अभी याओ को। तो मॉम कहती है कि याओ की परमिशन से हम इस घर के अंदर रह रहे हैं और चेंगवान बताती है कि याओ फिलहाल घर पे नहीं है, वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, मैं उसे इन्फॉर्म करके आने के लिए बोल देती हूँ, और तब तक वो उनके लिए चाय वगैरह बनाने के लिए चली जाती है। याओ को अब जैसे ही पता चलता है कि उसके डैड चेंगवान के घर पर आए हुए हैं तो फटाफट से वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर उसके डैड काफी खुश हो जाते हैं और उसके गले लगने वाले थे, लेकिन याओ उन्हें रोक देता है जो देखकर उसके डैड बोलते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, पता है मैंने तुम्हें जेल के अंदर कितना ज्यादा मिस किया। जिस पर याओ कहता है कि तुम मेरे डैड नहीं हो और उनका बैग लेकर उन्हें खींचते हुए यहाँ से लेकर चला जाता है। चेंगवान भी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता, पर ये सब सुनकर मॉम काफी ज्यादा हैरान थी। वो डैड से पूछते हैं कि याओ के डैड जेल के अंदर क्यों गए थे, उन्होंने कौन सा क्राइम किया था। इस पर डैड बोलते हैं कि मुझे क्या पता, मैं तो इस आदमी से पहली बार मिल रहा हूँ, और मॉम को समझाते हैं कि याओ और उसके डैड के बीच की बात है, इसीलिए तुम उनकी चीजों में इंटरफेयर बिल्कुल भी मत करना। सीना वापस से याओ पर आता है जो कि अपने डैड को लेकर एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जा रहा था ताकि वो वापस से स्विट्जरलैंड चले जाए। जिस पर डैड कहते हैं कि कैसे बेटे हो तुम मुझे वापस भेज रहे हो जबकि अब सिर्फ फैमिली के अंदर हम दोनों ही बचे हैं। जो सुनकर याओ कहता है कि अच्छा आपको पता चल गया कि अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, और बोलता है कि आपने कभी भी एक फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है और अब सब कुछ करने के बाद वापस आए हो मेरे पास ताकि मैं आपको माफ कर दूं। और उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है मैंने जो भी किया बहुत ही गलत किया, लेकिन मुझे अपनी फैमिली पालनी थी
और मेरे पास कोई स्किल भी नहीं था, इसलिए मैं घर के अंदर का सीन रन करता था। ये सब करने के लिए जब मुझे जेल हो गई तो वहाँ का जो जेलर था उसने मेरा अच्छा बिहेवियर देखकर मुझे जल्दी रिलीज कर दिया। और रिलीज होते ही मैं फटाफट तुमसे मिलने के लिए आ गया। मुझे पता है कि तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम देता हूँ। ये बोलकर वो फटाफट से कार से निकलकर भाग जाते हैं, क्योंकि गाड़ी अभी रेड लाइट पर रुकी हुई थी और याव यहाँ पर उन्हें रोक भी नहीं पाता। याव अब कार में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था कि कैसे जब वो घर आता था तो देखता था कि उसके डैड घर के अंदर कैसीनो चला रहे हैं और लोग वहाँ पर दारू पी रहे हैं। डिनर में वो इंस्टेंट नूडल्स खाता था। उसके घर में कोई भी दिन शांति से नहीं गुजरता था और मॉम डैड के अंदर भी काफी झगड़े होते रहते थे। यहाँ तक कि उसने अपना गुजारा करने के लिए रेस्टोरेंट में जाकर बर्तन धोए हैं। जो सारी चीजें याद करके वो काफी ट्रॉमेटाइज हो जाता है। उसी वक्त उसे चेंगवान का मैसेज आता है जो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हम समझ पाते हैं कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगले दिन चेंगवान शांगली होटल की एचआर को नए स्टाफ को हायर करने के लिए बोल रही होती है, जहाँ पर वो डुओडुओ का रेफरेंस भी उन्हें देती है। जाने से पहले एचआर चेंगवान को बोलती है कि ग्रैंडमा के जाने के बाद जब उसने होटल टेक ओवर किया तो उन्हें काफी अच्छा लगा था, क्योंकि वो एकदम ग्रैंडमा की तरह ही है और उन्हें उस पर पूरा भरोसा है कि वो स्टाफ और होटल दोनों को अच्छे से ख्याल रखेगी, जो सुनकर चेंगवान को अच्छा लगता है। जिसके बाद एक स्टाफ चेंगवान को बताता है कि बाहर एक ओल्ड मैन आया हुआ है जो बोल रहा है कि ये होटल उसका है। हम लोगों ने उसे यहाँ से भेजने की भी कोशिश करी, लेकिन वो नहीं जा रहा, इसलिए अब चेंगवान बाहर आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि याओ की डैड रेंगफू है। मैनेजर क्यू चेंगवान को बताते हैं कि याओ की डैड है जो कि एक गैम्बलिंग एडिक्ट है। उनकी इस आदत के लिए ग्रैंडमा भी कुछ नहीं कर पाई और अब वो होटल में ट्रबल मचाने के लिए आ गए हैं। पर चेंगवान कहती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और फिर अंकल रेंगफू के पास जाकर बोलती है कि आपको क्या चाहिए, तो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर चेंगवान बताती है कि ग्रैंडमा के जाने के बाद उनकी विल के अकॉर्डिंग ये होटल अब मेरा है, जो सुनकर वो बोलते हैं कि याओ उनका ग्रैंडसन था ना, इसलिए ये होटल उनका होगा। तो चेंगवान बोलती है कि ग्रैंडमा की विल के हिसाब से सब कुछ हुआ है और इस सबसे याओ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेंगफू बोलता है कि पता नहीं तुमने कौन सा जादू कर दिया होगा उस पर, और जब तक तुम हमारा होटल वापस नहीं कर दोगी ना, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं सभी लोगों को बताऊंगा कि तुम किस तरीके की लड़की हो और दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पती हो। जो सुनकर चेंगवान बोलती है कि फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, मैं आपके लिए होटल में रहने के लिए एक रूम अरेंज करवा देती हूँ और बाकी चीजों के बारे में हम बाद में कर लेंगे। जो सुनकर वो मान जाते हैं, पर मैनेजर क्यों यहाँ पर काफी कंसर्न थे कि वो होटल में आकर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे। पर चेंगवान बोलती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी और उसके रहने का पैसा भी मैं ही पे करूंगी। अब जब रेंगफू अपने रूम में होता है तभी वहां पर याओ आता है, जो कि उन्हें अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिस पर रेंगफू बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने पहले काफी सारी गलतियां की है, लेकिन अब मैं उस सब की तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। इस पर याओ कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी माफी नहीं चाहिए, कि तुमने कभी डैड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। उसी वक्त वहां पर चेंगवान भी आ रही थी और छुपकर इनकी बातें सुनने लग जाती है। याओ बोलता है कि कैसे बचपन में वो कभी भी घर पर चैन से नहीं रह पाया और घर पर उसे दारू पीते हुए और कसीने खेलते हुए लोगों की आवाज आती रहती थी। साथ ही ये भी बोलता है कि क्या तुमने कभी मुझे खाना भी खिलाया, जो कि खुद को मेरा फादर कहते हो। ये सुनकर रेंगफू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे कि तुम मुझे कम हेट करो? क्या मैं तुम्हें शांगली वापस दिला दूँ? जो सुनकर याओ बोलता है कि ग्रैंडमा ने चेंगवान को शांगली दिया है और तुम उसे कुछ भी करने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो रेंगफू का सामान उठाता है यहाँ से लेकर जाने के लिए, पर रेंगफू अपना पासपोर्ट लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है और उसे फाड़ कर फेंक देता है ताकि याओ उसे वापस ना भेज पाए। वो फिर गुस्से में रूम से बाहर आकर दोंग को कॉल करता है और यहाँ आकर रेंगफू पर नजर रखने के लिए बोलता है। चेंगवान भी यहाँ पर याओ को शांत होने के लिए बोलती है, पर वो कहता है कि मैं जल्दी ही रेंगफू को यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा और तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर चेंगवान बोलते हैं कि तुम इतने सालों बाद अपने डैड से मिले हो तो तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपस में आराम से बात करनी चाहिए। उनके यहाँ पर रहने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ उसकी पूरी बात सुने बिना ही यहाँ से चला जाता है। इधर घर पर मॉम डैड सब्जियां काट रहे होते हैं, जहाँ पर मॉम सोचने लग जाती है कि चेंगवान याओ के डैड की मैटर के लिए इतनी ज्यादा एंशियस क्यों हो रही थी। तो डैड यहाँ पर उन्हें फिर से समझाते हैं और उनके बीच में पढ़ने से मना करते हैं। उसी वक्त याओ भी घर आ जाता है, जो कि उनसे बात किए बिना ही सीधा अपने रूम में चला जाता है, जिसके पीछे पीछे चेंगवान भी आती है, जो कि उससे बात करने के लिए उसके रूम में जाना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजा बंद कर लेता है। वो अब सैड होकर अपने बेड पर बैठा हुआ था, तभी वो देखता है कि चेंगवान नीचे से उसे आवाज लगा रही होती है और अपना फोन ऊपर की तरफ शो करती है, जिसमें मैसेज लिखा हुआ था कि गुस्सा करने पर ना तुम काफी अगली लगते हो। जिसके काफी बुलाने पर वो बैल्कनी में जाकर उसे देखने लग जाता है। तो चेंगवान उसे बात करने के लिए बोलती है, पर वो कहता है कि फिलहाल मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। जो सुनकर चेंगवान उसे मनाने की कोशिश करती है और बच्चों की तरह उसके सामने एक्टिंग करने लग जाती है, जो सब देख कर याओ स्माइल कर देता है। तो चेंगवान बोलती है कि अब तो तुमने स्माइल कर दिया ना, चलो अब बात करते हैं। लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा होता, तो बोलते है कि मैं भी बालकनी से चढ़कर ऊपर आ जाऊंगी। जो सुनकर अब वो उसे बात करने के लिए मान जाता है, तो चेंगवान फटाफट से उसके रूम में जाती है, जहाँ पर वो उसे गुस्सा होने से मना करती है।
और बोलती है कि तुम्हारे पास में जो भी है वो तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अब जो भी फ्यूचर में होगा वो सब कुछ मैं तुम्हारे साथ रहकर फेस करना चाहती हूँ। वो बोलती है कि तुम्हारे डैड की जो भी सिचुएशन है, हम उन्हें इस तरीके से बाहर सड़क पे तो नहीं छोड़ सकते ना, और उन्हें सिर्फ एक रूम रहने को दिया है। फिर यो बोलता है कि तुम नहीं जानते हो, बहुत ही ज़्यादा चालाक है। तो चेंगमैन बोलती है कि हाँ मुझे पता है, और बिजनेस को संभालने में तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन पेरेंट्स को संभालने में तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, मैं उन्हें संभाल लूँगी तो मेरी चिंता मत करो। ये बोलकर वो उसे छेड़ने लग जाती है और स्माइल करने के लिए बोलती है। इधर मॉम सोच रही होती है कि चेंगमैन को भी या और उसके डैड के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए वो उसे ये बात बोलने के लिए ऊपर जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो अपने रूम में नहीं है, तो वो जाकर याओ के रूम का दरवाजा खटखटाने लग जाती है, जिन्हें देखकर पहले तो ये दोनों काफी डर जाते हैं। याओ सोचता है कि कहीं तुम्हारी मॉम को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता तो नहीं लग गया। पर चेंगमैन उसे शांत रहने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं संभालती हूँ बात को। वो जाकर अब दरवाजा ओपन करती है और याओ भी उसके पास आ जाता है, जहाँ पर मॉम याओ को उसके डैड से अच्छे से बात करने के लिए बोलती है और चेंगमैन को साइड में ले जाकर कहती है कि तुम्हारे डैड ने बोला है कि हम लोगों को याओ और उसके डैड के मैटर में बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी बात नहीं पता है। जो सुनकर चेंगमैन जोर से मॉम को बोलने लग जाते हैं कि हाँ मॉम आप सही कह रहे हो, ये याओ ना बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, मैंने इतनी बात इसे समझा इसे कुछ भी समझ नहीं आया, चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत ही भूख लगी है। जो सुनकर मॉम याओ भी खाना खाने के लिए बोलती है और वो यहाँ पर चेंगमैन की एक्टिंग देखकर बेचारा हंसने लग जाता है। फिर हम शाम को चेंगमैन को गार्डन में बैठा हुआ देखते हैं, तो डैड उसे आइसक्रीम लाकर देते हैं खाने के लिए। वो बोलते हैं कि कैसे तुम दोनों इतने ज्यादा बड़े हो गए हो और अब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हो, और चेंगमैन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इशू है जो कि तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो। चेंगमैन अब डैड को अपने पास में बिठाती है और बताती है कि उसे अपने बारे में नहीं बल्कि याओ के बारे में बात करनी है। वो बोलती है कि कैसे याओ और उसके डैड के बीच में आज काफी लड़ाई हो गई थी शांगली होटल के अंदर, जब से वो घर पर आया तब से वो काफी परेशान है और मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे कम्फर्ट करूँ। तो डैड इस पर कहते हैं कि तुम ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कर रही हो, तुमने उसके डैड को होटल में रहने के लिए रूम दिया जो कि बहुत ही अच्छा किया तुमने। चेंगमैन फिर बताती है कि कैसे याओ का चाइल्डहुड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, और वो बाहर से दिखने में तो बहुत ही टफ लगता है लेकिन अंदर से बहुत ही सेंसिटिव और वार्म हार्टेड पर्सन है, वो हमेशा से ही फैमिली के प्यार के लिए तरस रहा था। जो सुनकर डैड बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, और चेंगमैन को समझाते हैं कि कैसे तुम्हें याओ को उसके डैड को माफ करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जिन भी चीज़ों से गुजरा है उसके बारे में वही जानता है। इस पर चेंगमैन भी बोलती है कि हाँ डैड आप सही कह रहे हो। तो डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हें कब से याओ की इतनी चिंता होने लग गई, जो सुनकर वो बेचारी थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सभी की चिंता करती हूँ, और वैसे भी अब तो मेरा फ्रेंड और लैंडलॉर्ड भी है, इसलिए मुझे उसकी चिंता होना जाहिर है ना। डैड फिर यहाँ पर चेंगमैन को बताते हैं कि उन्होंने याओ को एक फ्लावर पॉट दिया था जिसकी याओ ने इतनी ज़्यादा अच्छे से देखभाल की कि उसके फ्लावर्स मेरे फ्लावर पॉट से भी बड़े हो गए, जिसका मतलब ये है कि वो हमेशा से यही चाहता है कि लोग उसे प्यार करें और वो भी किसी से प्यार करें। और तुम चिंता मत करो, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं याओ से बात करने की कोशिश करूंगा, हम लोग उसकी मदद करेंगे उसके जो पास्ट ट्रॉमा है उसे हील करने के लिए, जिस चीज़ के लिए चेंगमैन उन्हें थैंक्स कहती है। इसके बाद हम अंकल रेनफो को होटल में देखते हैं, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए दोंग आता है। वो उन्हें बोलता है कि आपको पूरे दिन यहाँ होटल में नहीं रहना चाहिए बल्कि बाहर जाकर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, और वो ऐसे याओ के कहने पर कर रहा था ताकि वो यहाँ पर रहकर चेंगमैन को परेशान ना करे। पर रेनफो यहाँ पर दोंग से पूछने लग जाता है कि कहीं तुम मुझसे कुछ बात छुपा तो नहीं रहे हो, और पूछता है कि आखिर याओ ने चेंगमैन को शांगली होटल कैसे दे दिया, जिस पर दोंग बोलता है कि अंकल क्या आप अपने बेटे को नहीं जानते, प्यार में पगला गया है वो। जो सुनकर रेनफो बोलता है कि क्या मतलब चेंगमैन और याओ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जो सुनकर दोंग को रियलाइज होता है कि उसके मुंह से क्या बात निकल गई, इसलिए फोन का बहाना करके यहाँ से भाग जाता है। और रेनफो सोचने लग जाते हैं कि चेंगमैन तो बिल्कुल भी सिंपल लड़की नहीं है, उसने मेरे बेटे को प्यार में फंसा कर उसे होटल ले लिया और यहाँ तक कि उसका घर भी। जिसके बाद हम मॉम को देखते हैं जो सोच रही होती है कि आखिर रेनफो शांगली होटल में क्यों रुका हुआ है, और डैड से बोलती है कि याओ भी तो इतना बड़ा होटल चलाता है तो वो उनके पास क्यों नहीं रुका। इस पर डैड बोलते हैं कि शांगली उनकी ही प्रॉपर्टी है और वो इतने सालों बाद शांघाई में आए हैं, अगर वो यहाँ पर रह रहे तो आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। लेकिन मॉम सोचने लग जाती है कि इसके पीछे जरूर उसका कोई ना कोई प्लान होगा, कहीं वो शांगली को वापस तो नहीं लेने के लिए आया। पर डैड बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। पर मॉम को अभी उस पर शक था और सोचती है कि वो उस पर नजर रखेंगी। अगले दिन हम रेनफो को देखते हैं जो कि होटल के कुछ स्टाफ को अपनी स्विट्जरलैंड वगैरह की फोटो दिखा रहे थे, जो देखकर सभी लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो फॉरेन कंट्री में रहते थे। जहाँ पर रेनफो बातों ही बातों में उन लोगों से बोलता है कि अब चेंगमैन इस होटल को मैनेज कर रही है तो क्या वो तुम्हें ओवर टाइम काम करने का पैसा वगैरह देती है या फिर ऐसे ही, तुम्हें बाहर के लोगों से ना कुछ सीखना चाहिए, जो भी एम्प्लॉयर स्टाफ को एक्सप्लॉइट करता है ना तो वो लोग स्ट्राइक पर चले जाते हैं। जो सारी बातें मॉम भी वहाँ पर खड़े होकर सुन लेती है और रेनफो पर जोर से चिल्लाती है, ये देखकर सारे एम्प्लॉयज वहाँ से भाग जाते हैं। मॉम रेनफो से बोलती है कि तुम यहाँ पर आकर सभी स्टाफ को मेरी बेटी के खिलाफ भड़का रहे हो, पर रेनफो कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मॉम काफी गुस्सा हो जाती है तो वो उन्हें गुस्सा होने से मना करते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ।
पहले तो मॉम मना कर देती है, लेकिन रेनफू कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी पिलाऊंगा। तो मॉम मान जाती है और बोलती है कि कॉफ़ी पीते पीते मैं तुम्हें लेक्चर दूंगी। ये दोनों अब साथ में कॉफ़ी पीने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर रेनफू बोलता है कि इसका बिल ना चेंगवान के खाते में जोड़ देना। जो सुनकर मॉम कहती है कि इसका बिल मेरी बेटी क्यों पे करेगी, तो कहता है कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़े होटल की बॉस है तो क्या कॉफ़ी नहीं पी सकते हम लोग उसके नाम पर। जिस चीज़ के लिए मॉम बोलती है कि हाँ कॉफ़ी में कौन सी बड़ी बात हो गई। रेनफू फिर यहाँ पर उन्हें समझाने लग जाता है कि तुम मुझे बुरा इंसान मत समझो, पहले मैं एक बहुत ही अच्छा जेंटलमैन हुआ करता था और ऐसे 10 शांगली खरीद सकता था। इस पर मॉम कहती है कि वो पुरानी बातें हो गई है, तुम आज की बात करो, आज तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो। रेनफू बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन देखो मैंने अपनी इंटेलिजेंस अपने बेटे को दी है, वो देखो कितना ज़्यादा समझदार है और कितने अच्छे से होटल चला रहा है। तुम्हारी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा लकी है। जो सुनकर मॉम बोलती है कि मेरी बेटी लकी है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। जो सुनकर रेनफू समझ जाता है कि मॉम को चेंगवान और याओ के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। मॉम फिर बोलती है कि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, इसलिए वो तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए दे रही है, अगर तुमने उसे ट्रबल मचाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर अपनी कॉफ़ी पीकर यहाँ से चली जाती है। अब जब मॉम होटल से जा रही थी तभी चेंगवान उन्हें देख लेती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मॉम बताती है कि मैं रेनफू पर नज़र रखने के लिए आई थी, वो अभी जेल से बाहर आया, जिसका मतलब यह है कि वो अच्छा पर्सन नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे लिए कोई ट्रबल क्रिएट करे। इस पर चेंगवान बोलती है कि हाँ मॉम मैं आपके कंसर्न समझती हूँ, लेकिन वो याओ के डैड है इसलिए हमें उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, और आप चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। इसके बाद हम याओ और डैड को साथ में फिशिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर डैड उसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्या तुम और चेंगवान रिलेशनशिप में हो, जिस पर वो हाँ कहता है। वो बताता है कि वो उसे सिंसियरली पसंद करता है और फिलहाल वो दोनों अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं किया। तो डैड उससे पूछते हैं कि तुमने अपने और रेनफू के रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचा है कि तुम उससे कैसे रिजॉल्व करोगे, जिस पर वो कहता है कि आप चिंता मत करो मैं उन्हें जल्दी यहाँ से भगा दूंगा। पर डैड कहता है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं चाहता कि तुम ऐसे करो, और उसे बताने लग जाते हैं कि कैसे जब वो भी उसकी तरह यंग हुआ करते थे तब उनकी मॉम की डेथ हो गई, उसके थोड़े टाइम बाद मेरे डैड ने तुम्हारी ग्रैंडमा से शादी कर ली, जिस सबसे मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और गुस्से में मैंने उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया, यहाँ तक कि उनके मरने पर भी मैं उनसे मिलने के लिए नहीं गया। लेकिन जब मैं अपने डैड की एज का हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो बड़े लोग होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा अकेले रहने का डर होता है, और उस टाइम मेरी नई नई फैमिली बनी थी इसलिए मैंने अपना पूरा टेंशन अपनी बेटी और घर पर दिया, जिस वजह से मैं उन्हें नहीं देख पाया और ये चीज़ उन्हें आज भी फील होती है। जो बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। या उन्हें बोलता है कि आप मेरे डैड की तरह नहीं हो, तो या उन्हें कहता है कि आप मेरे डैड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और आप मुझे ऐसे मनाने की कोशिश मत करो ताकि मैं अपने डैड को माफ़ कर दूँ। जिस पर डैड कहता है कि तुम बहुत ही समझदार हो और शायद तुम मेरी बात का मतलब समझ गए हो। साथ ही उसे ये भी बोलते हैं कि वो चेंगवान की काफ़ी परवाह करते हैं और ये नहीं चाहते कि वो लाइफ में कभी सफ़र करें। तो याओ भी यहाँ पर उन्हें अश्योर करता है कि वो चेंगवान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा, जो सुनकर उन्हें भी अच्छा लगता है। अब जब ये लोग फिशिंग करके वापस जा रहे थे तो याओ खुद कार ड्राइव करके डैड को घर पर लेकर जाता है, क्योंकि अब तो वो फैमिली बन गए थे। जैसे ये लोग घर के बाहर पहुंचते हैं तभी वहाँ पर मामा और चेंगवान भी सब्जियाँ वगैरह लेकर आ जाती है, जो डैड को बोलने लग जाती है कि याओ तुम्हारा बॉस है और तुम उसे कैसे कार ड्राइव करने दे सकते हो। पर डैड कहते हैं कि हम दोनों की आपस की बात है और मॉम को अंदर ले जाते हैं खाना बनाने के लिए। जब चेंगवान याओ से पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ पर गए थे तो बता देता है कि हम दोनों फिशिंग करने के लिए गए थे और तुम्हारे डैड ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। तो याओ उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगता है, लेकिन चेंगवान मना करती है और बोलती है कि मॉम ने देख लिया तो जरा मुझसे दूर और थोड़ी देर बाद अंदर आना। जो देखकर वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि अब भला क्यों डर रही है ये लड़की। अगले दिन हम देखते हैं कि सॉन्ग एक लॉयर के साथ माओ के यहाँ पर जाता है और उसे बताता है कि देखो ये दोनों यहाँ पर रहते हैं, पूरे दिन भर यहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं और भला ऐसे एनवायरमेंट में मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी वहाँ पर माओ और जाओ आ जाते हैं और उन लोगों को फोटो खींचने से मना करते हैं, जहाँ में पता चलता है कि सॉन्ग ने जिस लॉयर को हायर किया था वो जाओ का सीनियर है, उसी की फर्म में उसने काम किया था। जाओ यहाँ पर उसे बोलता है कि वो इस तरीके से एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए उसे कोर्ट से ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा। लियो यहाँ पर जाओ की इंसल्ट करने लग जाता है क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि इस केस को वही जीतेगा। तो जाओ उसे बोलता है कि ज़्यादा उड़ो मत, पता चला मैं तुम्हें ज़मीन पर गिरा दूँ, और उसे कोर्ट में मिलने के लिए बोलकर यहाँ से भगा देता है। जो देखकर माओ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसने कैसे उस लॉयर से बात करी, पर जाओ थोड़ा सा कंसर्न था, वो उसे इस केस के लिए एक सीनियर लॉयर हायर करने के लिए बोलता है। पर माँ बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और हम दोनों इस केस को साथ में जीतेंगे, जो देखकर वो खुश हो जाता है। सीन अब यहाँ से रेनफू पर आता है, जो कि जब बाहर बैठा हुआ था
तभी उसे कोई पर्सन लेने के लिए आता है और उसे मिस जांग से जाकर मिलवा देता है, जहाँ वो उसे बताती है कि कैसे जब उसकी बेटी जी अब्रॉड में थी तब वहाँ पर याओ ने उसकी देखभाल की थी, और बोलती है कि मैंने सुना कि आपकी प्रॉपर्टी को आपसे छीन लिया गया है। जिस पर वो कहता है कि हाँ, ये चेंगवान बहुत ही ज्यादा चालाक लड़की है, उसने मेरी मॉम और बेटे दोनों को बेवकूफ बना दिया। तो जांग बोलती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ आपकी प्रॉपर्टी दिलवाने में। इस पर रेनफू कहता है कि इस समय तुम्हारा क्या फायदा। तो बोलती है कि वो सब तो मैं आपको वक्त आने पर बता दूंगी, लेकिन इसमें आपका भी फायदा होगा। ये बोलकर वो उसे कुछ पैसे ऑफर करती है, जो देखकर वो उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए मान जाता है। तो जांग बोलती है कि वक्त आने पर वो उसे जरूर बताएगी कि उसे क्या करना है। फिर हम चेंगवान को देखते हैं जो कि जियो और ड्यूडू से बात कर रही होती है, जहाँ बोलती है कि फिलहाल उनका होटल 14th नंबर पर है पूरे चाइना में, लेकिन उन्हें उसे 10th नंबर पर लेकर आना है। और शंघाई में टूरिज्म फेस्टिवल होने वाला है, जिसके लिए पूरी दुनिया से यहाँ पर काफी लोग आएंगे, इसीलिए उन्हें अपने होटल के लिए प्रमोशन करना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर रुके, क्योंकि उनका होटल काफी पुराने स्टाइल का है। जिसके ये आइडिया इन दोनों को ही काफी पसंद आता है और ये लोग प्रमोशन के आइडिया वगैरह सोचने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम रेनफू को देखते हैं जो कि पैसे गुनता हुआ होटल से बाहर जा रहा था, जिसे ऐसे देखकर चेंगवान उसके पास आती है और बोलती है कि आपके पास पैसे कहाँ से हैं। तो वो कहता है कि क्यों तुम्हारे पास इतना बड़ा होटल आ सकता है और मेरे पास पैसे भी नहीं आ सकते। पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरी बातों का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस आपको ये रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि जो गलती आपसे पहले हुई है उसे दोबारा मत दोहराना। जिस पर वो कहता है कि मैं 15 सालों तक जेल में रहा हूँ, अब कोई मुझे गैम्बलिंग करने के लिए बोलेगा भी ना तब भी मैं नहीं जाऊँगा। जो सुनकर चेंगवान को लगता है कि वो शंघाई से वापस जाने वाला है, इसीलिए कहती है जाने से पहले हम लोग साथ में खाना खाएंगे। पर वो कहता है कि मैं नहीं यहाँ से जाने वाला, क्या तुम्हें जाओ ने ऐसे बोला है। पर वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, और काम करने के लिए चली जाती है। रेनफू अब यहाँ सीधा चेंगवान की मॉम से मिलने के लिए जाता है, जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही थी। रेनफू को यहाँ पर देखकर मॉम की फ्रेंड्स उन्हें छेड़ने लग जाती है और बोलते हैं कि तुमने इस ओल्ड जेंटलमैन को बुलाया अपने साथ डांस करने के लिए। पर मॉम बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। फिर वो रेनफू को साइड में लेकर जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या बात करनी है, जल्दी बोलो। इस पर वो कहते हैं कि अरे, आपको मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, अब तो हम लोग रिश्तेदार बनने वाले हैं ना, क्योंकि आपकी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हमें ना उनकी शादी के लिए डेट वगैरह फिक्स करवा लेनी चाहिए। जो सुनकर मॉम हैरान होकर यहाँ से निकल जाती है। वो अब टैक्सी में बैठकर चेंगवान को कॉल किए जा रही थी, पर वो बताती है कि मैं मीटिंग में हूँ, इसलिए मॉम सीधा जाओ के होटल में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो अपने स्टाफ को एक स्पीच दे रहा था, जो सुनकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। ये देखकर मॉम को काफी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही एक कली याओ के गले लगती है तो मॉम बूम बनाने लग जाती है। अब वो इशारा करके याओ को बुलाती है, तो मीटिंग डिसमिस करके मॉम के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। पर मॉम बिना कुछ बोले बॉस लेडी की तरह उसके ऑफिस में चली जाती है, तो याओ भी उनके पीछे पीछे आकर वहाँ पर बैठ जाता है और काफी नर्वस हो रहा था कि आखिर बात क्या है। तो मॉम उसे कहती है कि क्योंकि तुम चेंगवान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे, इसलिए तुमने हमें इस घर के अंदर रहने दिया ना, और जो मुझे ऐसा लगता है कि घर में रात में कोई चूहा आवाज करता है वो तुम ही हो ना। इस पर वो नर्वस होकर बोलता है कि हाँ, वो चूहा मैं ही हूँ। पर फिर वो मॉम को बताता है कि मैं और चेंगवान एक सीरियस रिलेशनशिप में है। तो सुनकर मॉम कहती है कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी। या बोलता है कि हम लोग आपको बताने के लिए रेडी नहीं थे। तो मॉम बोलती है कि तुम लोग कब रेडी होते, और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब तक तुम इस घर में रह रहे हो ना, मैं तुम्हें हमेशा डिसिप्लिन करती रहूंगी। मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे ऑफिस में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां काम करती हैं। तो याओ यहाँ पर उन्हें अश्योर करने लग जाता है कि उसका असिस्टेंट एक मेल है और यहाँ पर जितने भी वर्कर्स है वो सभी चेंगवान के फ्रेंड है और वो उनके लिए ऐसा लीडर है। आगे वो बोलती है कि तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी रहती है, तो ऐसे समय तुम अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखोगे। इस पर याओ कहता है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। मॉम कहती है कि हाँ, ये चीज़ तो मैंने नोटिस की है। फिर मॉम आखिर में बोलती है कि मुझे ना ऐसा सन इन लॉ चाहिए जो कि हमारे साथ रह सके। जो सुनकर याओ काफी खुश होकर बोलता है कि अरे, मैं तो इसके लिए तैयार हूँ एकदम। मॉम बोलती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम पर नजर रखूंगी तुम्हारी रियल इंटेंशन जानने के लिए कि कहीं तुम्हारी ये सब करने के पीछे कोई और इंटेंशन तो नहीं है। तो याओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप मुझ पर नजर रख सकती हो। और वो मॉम को बताता है कि उसे एक स्टोर इंस्पेक्शन में जाना है। तो मॉम बोलती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसीलिए वो मॉम को अपने साथ में लेकर जाता है, जहाँ पर मॉम तो उसे देखते देखते ही थक गई थी कि वो कितना ज्यादा काम कर रहा है और खाना भी नहीं खा रहा। या वो मॉम को वापस लेकर आ रहा होता है जहाँ पर वो काफी थक गई थी, और उसे बोलती है कि बॉस होना तो बहुत ही ज्यादा टफ काम है। जो देखकर या वो बोलता है कि वैसे आपने मुझे अपने दिल में एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन मेरे सामने बोल नहीं रही हो। पर मॉम कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, बॉस होना अलग चीज़ है और हस्बैंड होना अलग चीज़ है। तो या वो कहता है कि हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इसीलिए अब मुझे काम के बाद अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह चेंगवान को लेने के लिए जाना है। जो सुनकर मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल सही। इसके बाद हम इन सभी लोगों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर मॉम याओ को बोल रही होती है कि ये मत समझना कि तुमने मुझे मना लिया है, अब मैं तुम लोगों से ना कुछ सीरियस बातें करने वाली हूँ। तुम दोनों के रिलेशनशिप से तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे डैड जेल में थे
और चेंगवान का ऐसी फैमिली में जाना, इस चीज के लिए मैं थोड़ी सी कंसर्न्ड हूँ। तो याओ बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं अपने डैड को चेंगवान को ट्रबल करने नहीं दूंगा, और अगर हमारी शादी होगी तो मैं पहले एक एग्रीमेंट बनवा लूंगा जिसके अकॉर्डिंग जो चेंगवान की प्रॉपर्टी है वो तो उसके पास रहेगी ही, लेकिन जो मेरी सारी प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब कुछ भी चेंगवान का होगा। मॉम इस पर बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हें ये सब करवाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना थोड़ा कंसर्न बता रही थी तुमको। पर याओ बोलता है कि अगर आप मना करोगे तब भी मैं ही करवाऊंगा। वो उन्हें समझाता है कि वो अपने डैड से अलग है, हालांकि अपनी फैमिली में उसने जैसा भी एनवायरनमेंट देखा उसकी वजह से वो काफ़ी सेल्फिश इंसान बन गया था, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी से प्यार में पड़ेगा और उसकी भी एक फैमिली होगी। लेकिन चेंगवान से मिलने के बाद मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगा हूँ। डैड भी यहाँ पर आकर उनकी ये सारी बातें सुन रहे थे। या मॉम को बोलता है कि कैसे जब वो उन लोगों के साथ रहने लगा तो उसे जो फैमिली का प्यार है वो मिला, और उसने अपने मन में उन लोगों को पहले से ही फैमिली मान लिया है, इसीलिए वो चाहता है कि वो उसे एक चांस दे ताकि वो चेंगवान को खुश रख सके, और वो चेंगवान को हमेशा खुश रखेगा। इसीलिए वो चाहता है कि वो लोग उसे चांस दे अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनने का और चेंगवान से प्यार करने का। जिसकी ये बातें सुनकर मॉम और चेंगवान भी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, पर तभी डैड बीच में आकर बोलते हैं कि चेंगवान तुमने अपनी मॉम को बता दिया, और इतनी बड़ी बात तो तुम्हें पहले उन्हें बता देनी चाहिए थे। जो सुनकर मॉम उठकर डैड से बोलती है कि तुम्हें सब पहले से ही पता था, तो डैड बोलते हैं कि और नहीं तो क्या, मुझे इनकी हरकतों से पहले ही पता चल गया था। जो सुनकर मॉम डैड से बोलते हैं कि तुम मुझसे ये बात कैसे छुपा सकते हो, और नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है, जिसे मनाने के लिए डैड भी पीछे पीछे जाते हैं। बाहर याओ चेंगवान से बोलता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, पर वो कहती है कि नहीं नहीं तुमने बहुत ही अच्छे से अपनी सिंसेरिटी दिखाई है। याओ पूछता है कि क्या तुम्हारे मॉम मुझे एक्सेप्ट करेंगे, पर तभी अंदर से मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि डैड को डांट रही थी, इसलिए चेंगवान अब उनसे बात करने के लिए जाती है। चामो ने बोलती है कि वो सही वक्त आने पर उन्हें ये सब बताना चाहती थी, लेकिन बीच में काफी सारी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से वो उन्हें बता नहीं पाई, इसके लिए वो उनसे माफी मांगती है और नाराज होने से मना करती है। तो मॉम उससे पूछती है कि क्या तुमने इस बारे में सोच लिया है, तो चेंगवान उन्हें बोलती है कि याओ भले ही बाहर से एकदम कड़क आदमी लगता हो लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत ही ज्यादा नरम है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और उससे अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हमेशा आगे आकर वो उसकी मदद करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके साथ रहकर मुझे काफी अच्छा लगता है और मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए क्या प्लीज इस बार मुझे सपोर्ट करोगी। जो बोलकर चेंगवान काफी इमोशनल हो जाती है, तो मॉम उसे गले लगा लेती है और मान जाती है क्योंकि वो सिर्फ उसकी खुशी चाहती थी। अब जब चेंगवान अपने रूम में होती है तभी उससे बेल्कनी से आवाज आती है, जो बेल्कनी का डोर खोलती है तो वहां पर याओ आया हुआ था, जिसको ऐसे देखकर चेंगवान पूछने लग जाती है कि ये कैसा लुक है। तो बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने ना मेरे सारे कपड़े धो दिए, और बिना शर्ट के यहाँ पर आना ठीक नहीं रहता ना, इसीलिए मैं बेडशीट लपेट कर आ गया। जो सुनकर चेंगवान हंसने लग जाती है और उसे बताती है कि कैसे उसकी और माओ की फैंटेसी थी कि जब वो लोग काफी पैसा कमा लेंगे ना तो हवाई के बीच पर जाकर हैंडसम लड़कों को ताड़ेंगे, लेकिन अब तो ना ही कोई बीच है और इस हैंडसम मैन ने अपने मसल छुपा कर रखे हुए हैं। इस पर याओ कहता है कि अच्छा तुम्हें मसल मैन देखने, रुको अभी दिखाता हूँ। ये बोलकर वो उसे क्लोज जाकर अपनी बेडशीट हटाने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त मॉम दरवाजा नॉक कर देती है। जो सुनकर याओ डर जाते हैं कि अब वो क्या करे, पर चेंगवान उसे पर्दे के पीछे छुपाकर दरवाजा ओपन कर दिया, जहाँ मॉम उसके लिए फ्रूट्स लेकर आई थी और उसे याओ को भी देने के लिए बोलती है। जो सुनकर चेंगवान बोलती है कि मॉम अरे वो तो ऊपर है ना, पर मॉम उसे कहती है कि मुझे सब पता है कि वो तुम्हारे यहीं पर है, और याओ को बाहर से आवाज लगाकर बोलने लग जाती है कि अगली बार अगर तुम्हें चेंगवान के पास आना हो तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, बालकनी से मत आना अगर तुम्हें चोट लग गई तो। ये बोलकर वो चली जाती है। चेंगवान अब दरवाजा बंद करके याओ के पास जाती है, और अब तो मॉम को उन दोनों के बारे में पता चल गया था, तो याओ यहाँ पर चेंगवान के क्लोज आने लग जाता है। पर तभी मॉम फिर से दरवाजा नॉक करती है और बोलती है कि 10:30 होने वाले हैं, 10 मिनट और बात कर लो और फिर सोने के लिए जाना। अगले दिन मॉम रिन्फू से मिलती है, जहाँ पर रिन्फू बोलता है कि क्या तुम मुझे शादी की डेट फिक्स करने के लिए आई हो, पर मॉम यहाँ पर उन्हें बोलती है कि मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से प्यार करती है इसलिए उनकी शादी हो रही है, लेकिन उसने कहा है कि शादी होने से पहले वो तुम्हें यहाँ से भेज देगा क्योंकि अगर शादी में तुम रहोगे तो रिलेटिव्स कैसी बातें करेंगे ना तुम्हारे बारे में कि तुम जेल में थे, जिससे कि बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस पर रिन्फू बोलता है कि क्या याओ आपकी बात मानता है, तो प्लीज तुम उसे मना लो ना, मैं उसका इकलौता फादर हूँ, मैं अब उसकी शादी अटेंड करना चाहता हूँ। इस पर मॉम बोलती है कि पेरेंट होने के नाते तुम्हें पेरेंट की तरह एक्ट भी करना पड़ता है और तुम्हें अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, बाकी मैं शादी तक रुकने के लिए उससे बात कर लूंगी, ये बोलकर चली जाती है। रिन्फू अब होटल में आकर चेंगवान से मिलता है, जहाँ पर वो उसे फ्यूचर डॉटर इन लॉ कहकर बुला रहा था और बोलता है कि मेरे कपड़े काफी पुराने हो गए हैं, तो क्यों ना तुम और याओ मेरे साथ कुछ शॉपिंग पर चलो क्योंकि तुम्हारी शादी के लिए नए कपड़े भी तो चाहिए होंगे ना मुझे। इस पर चेंगवान बोलती है कि अच्छा वापस नहीं जा रहे हो, तो कहता है कि मैं क्यों वापस जाऊंगी, मैं तुम्हारी शादी अटेंड करके जाऊंगा। तो चेंगवान बोलती है कि ठीक है फिर आप कुछ कपड़े ले आओ और मैं आपको उसके पैसे बाद में रीइंबर्स कर दूंगी। फिर उसे काम था तो वो चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पर डुओ आती है,
तो रेनफो उसे बोलता है कि मैंने सुना कि तुम लोग कुछ रूम अपग्रेड वगैरह कर रहे हो, तो मुझे भी उस वाले रूम के अंदर रहना है। डुओडुओ मना करने लगते है और बोलते है कि चेंगवान से बिना पूछे मैं ये नहीं कर सकती, पर वो कहता है कि मैं उसका फादर इन लॉ हूं, मुझे मना नहीं करेगी, इसलिए चलो अब मेरा रूम अपग्रेड करो। इसलिए डुओडुओ अब चेंगवान के कहने पर उनका रूम अपग्रेड कर देती है। जहाँ रूम में जाते ही कर्टेन अपने आप बंद हो जाते हैं और म्यूजिक चलने लग जाता है। ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद AI सिस्टम की वजह से हो रहा था, लेकिन डार्ट को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे यूज कैसे करना है। अब जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें फ्लश भी नहीं मिल रहा होता। उसी वक्त वहाँ पर चेंगवान आ जाती है तो रेनफो से बोलने लग जाते हैं कि कैसा रूम अपग्रेड कराए तुमने, दिन की रोशनी में पर्दे अपने आप ही बंद हो गए और टॉयलेट के अंदर फ्लश भी नहीं है। तो चेंगवान रूम के अंदर आकर AI को कमांड करती है म्यूजिक बंद करने के लिए और कर्टेंस खोलने के लिए बोलती है, जो देखकर रेनफो बोलता है कि तुमने जानबूझकर मुझे इस रूम के अंदर भेजा है ना, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इस पर चेंगवान बोलती है कि अरे आप ही तो अपना रूम अपग्रेड करने के लिए बोला था ना, और अब सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। पर वो चेंगवान को बोलने लग जाते हैं कि कैसे वो इस रूम के अंदर फंस गए थे और उन्हें तो ये जेल में रहने से भी बुरा लग रहा था, इसीलिए इस सबका चेंगवान को उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो चेंगवान बोलती है कि याओ जब छोटा था तब उसने खुद ही गिर गिर कर लाइफ में आगे बढ़ना सीखा, कोई भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं था, इसीलिए वो आज यहाँ तक पहुँच पाया है। और अब जो कि इस छोटे से रूम के सिस्टम को नहीं समझ पा रहे, उसमें आपको इतना इनकन्वीनियंस लग रहा है कि आप मुझसे कंपनसेशन मांग रहे हो। तो सुनकर रेनफो कहता है कि तुम मुझे ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो, मुझे पता है कि मैंने ठीक से अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखा, जिस वजह से उनको काफी सफर करना पड़ा, इसलिए मैं सब कुछ ठीक करने के लिए वापस आई हूँ ताकि मैं उसके साथ अच्छे से रह सकूं। चेंगवान बोलती है कि हर किसी की लाइफ में डिफिकल्टी आती है, आपने यंग एज में याओ को अकेला छोड़ दिया था और उसके साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं बनाया, लेकिन अब आप वापस आकर चाहते हो कि वो आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट करे, भला इसके लिए कौन ही एग्री करेगा। और अगर आपको याओ के क्लोज जाना है ना, तो उसे अपनी सिंसेरिटी दिखाओ। और वो यहाँ पर उन्हें नई शुरुआत करने के लिए एक स्मार्टफोन देती है। वो उन्हें बताती है कि वो इसे वीचैट पर रजिस्टर कर याओ से बात कर सकते हैं और उसके मूवमेंट्स भी देख सकते हैं, पर वो ये फोन लेने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि वो 15 साल तक जेल में रहे हैं, इसलिए उन्हें टेक्नोलॉजी वगैरह ज्यादा नहीं पता और ये फोन भी वो नहीं यूज कर पाएंगे। तो चेंगवान कहते हैं कि अभी तो आपने बोला कि मैं चेंज होना चाहता हूँ और अगर आपको ये नहीं आता तो मैं आपको यूज करना सिखाऊंगी, पर वो बोलने लग जाते हैं कि वो ये नहीं कर पाएंगे, उन्हें नई चीजें करने की आदत नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमेशा लाइफ को एंजॉय करना सीखा है। जो सुनकर चेंगवान को एक आइडिया आता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि चेंगवान रेंगफू की एक रिहर्सल करवा रही होती है, जहाँ वो याओ को भी बुला लेती है और बताती है कि कैसे होटल के अंदर वो एक टेस्टिंग इवेंट करवाना चाहती थी और वो एक सिगार टेस्टिंग इवेंट रखवा रही है जिसको कि रेनफू मैनेज करेंगे। उन्हें वहाँ पर क्या कैसे कैसे बोलना है ये सब कुछ ही वो रिहर्सल कर रहे थे। चेंगवान बोलती है कि अब वो काम में बिजी रहेंगे और इससे उनको सैलरी भी मिलेगी। इस पर याओ कहता है कि वो काफी चालाक है, इसलिए प्लीज केयरफुल रहना और ये सब कुछ तुम्हारे लिए हार्ड रहा होगा ना काफी। पर चेंगवान बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि उसकी मॉम के साथ भी उसका रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही है, तो वो उन्हें अच्छे से हैंडल कर पा रही है। तभी याओ को यहाँ पर देखकर रेनफू आ जाते हैं, जो बताते हैं कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और याओ को अपने साथ लंच करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि इस बार मैं पे करूंगा क्योंकि अब मुझे सैलरी भी मिल रही है। जहाँ चेंगवान याओ के बिहाफ पर उन्हें हाँ कर देती है, इसलिए अब उसे अपने डैड के साथ में लंच करना पड़ता है, जहाँ पर वो उसके लिए काफी सारा खाना ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि वो इतने सालों बाद अब साथ में खा रहे थे, तो वो चाहते थे कि वो अच्छे से खाए। पर याओ कहता है कि ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता क्योंकि जिस वक्त आप जेल में थे उस वक्त तो मैंने सड़क पर पड़ा हुआ भी खाना खाया था। जो सुनकर रेनफू सैड हो जाते हैं और याओ से पुरानी बातें करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे जब वो पैदा हुआ था तब उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, वो जल्दी लाइफ में पैसा कमाकर आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन इसके बदले उनसे उल्टा ही हो गया। फिर वो याओ को बोलते हैं कि कैसे चेंगवान की वजह से मुझे समझ में आ गया कि अगर हम दोनों को क्लोज आना है तो मुझे अपनी सिंसेरिटी तुम्हें शो करनी पड़ेगी, जो कि मुझे धीरे धीरे करना होगा, इसलिए चलो आज ड्रिंक से शुरुआत करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो उसके लिए ड्रिंक खरीद कर लेकर आए हैं, लेकिन जब याओ उस बॉटल को देखता है तो बताता है कि ये फेक है। जो सुनकर रेनफू बोलते हैं कि मुझे फिर से धोखा मिल गया और बोलने लग जाते हैं कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरी गलती थी, इसलिए मैं सिंसियरली यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे, जो बोलकर वो काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए अब याओ खुद ही उनके लिए वाइन ऑर्डर करता है और ये एक तरीके से याओ की तरफ से पहला स्टेप था, जो सुनकर वो खुश हो जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि रेनफू ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए याओ ने कार्ट के अंदर बैठाकर लेकर जा रहा था, जिन्हें ऐसे देखकर चेंगवान उनकी फोटोज क्लिक करने लग जाती है और याओ को भी पोज करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि बेटा एकदम बाप पर गया है क्योंकि ऐसा सीन पहले भी हो चुका था। और फिर दोनों उन्हें उनके रूम तक छोड़ने के लिए जाते हैं। बाद में अब याओ शांगली के बाहर खड़ा हुआ था, जहाँ पर वो उस पेड़ को देखकर याद करता है कि कैसे वो यहाँ पर अपने डैड के साथ खेला करता था। तभी वहाँ पर चेंगवान आती है, जो बोलती है कि लगता है तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारा मील काफी अच्छा रहा। तब याओ से बताता है कि उसे अभी अभी याद आया कि वो यहाँ पर अपने डैड के साथ खेलता था। तो चेंगवान कहते हैं कि लगता है तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारी काफी अच्छी मेमोरीज है,
और क्या तुम्हारा अब उनकी तरफ थोड़ा सा व्यू चेंज हुआ? इस पर याओ कहता है कि मैं उन्हें दिल से तो कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चेंगमन बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक नई शुरुआत तो कर सकते हो ना। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम वो सारी चीजें अपने दिल में ना रखो और आगे की सोचो और खुश रहो। जो सुनकर याओ उसकी बात मान जाता है और उसे हक करता है, जहाँ पर दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े रहते हैं। जिसके बाद हम जियो को घर पर अपना काम करते हुए देखते हैं। जैसे वो फ्रिज से एक ड्रिंक लेने के लिए जाती है, तभी जांग आकर टेबल पर रखा हुआ उसका प्रपोजल देखने लग जाती है। ये जब जियो नोटिस करती है तो वो उसे फटाफट अपना प्रपोजल लेकर चली जाती है और जांग यहाँ पर कुछ सोचने लग जाती है, यानी कि अब वो फिर से कुछ करने वाली थी। अगली सुबह हम रुनफो को देखते हैं, जिससे कि जांग का असिस्टेंट मिलने के लिए आता है। वो बोलता है कि शांगली होटल में एक इवेंट होने वाला है ना, तो मेरी एक कजन भी वहाँ पर एक आइडल का ऑटोग्राफ लेने के लिए आना चाहती है, इसीलिए क्या आप वहाँ के किसी एम्प्लॉय का कार्ड अरेंज करवा सकते हो उसके लिए? जो सुनकर रेनफो बोलता है कि कहीं मिस जांग कुछ करने तो नहीं वाली है, पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये कार्ड तो मुझे अपनी कजन के लिए चाहिए। तो रेनफो अब होटल में जाकर सभी स्टाफ को ड्रिंक देता है, जिस बीच वो बातों ही बातों में एक एम्प्लॉय कार्ड उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। और जब वो यहाँ से जा रहा था, तभी उसे चेंगमन मिल जाती है, जो बताते हैं कि कैसे जब वो कल ड्रंक हो गया था तो याओ उसे कार्ट में खींचकर लेकर जा रहा था। उस वक्त उसने उसकी फोटो खींच ली और बताती है कि एक बार याओ भी ड्रंक हो गया था, तब वो भी उसे इस तरीके से खींच कर लेकर गई थी। फिर वो उसे बताती है कि कैसे होटल के अंदर एक इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है, उसके बाद जब वो फ्री हो जाएगी तो वो उसे घर पर लेकर जाएगी सभी लोगों के साथ में डिनर करने के लिए। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है कि वो उसे अपने घर पर लेकर जाएगा डिनर करने के लिए। तो चेंगमन बोलती है कि याओ और मेरी शादी हो रही है और आप उसके फादर हुए, तो आप भी हमारी फैमिली हुए ना। रुनफो पूछता है कि तुम्हारी मॉम को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? चेंगमन बोलते हैं कि उन्होंने तो स्पेशली कहा है मुझे आपको लेकर आने के लिए, ताकि पूरी फैमिली साथ में डिनर कर सके। अब उसे कुछ काम था इसीलिए वो चली जाती है। और रुनफो यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाता है कि वो सभी लोग तो उसे फैमिली समझते हैं, लेकिन वो यहाँ पर उनके खिलाफ जाकर ये सब क्या कर रहा है। इसके बाद हम चेंगमन को उसके स्टाफ के साथ देखते हैं, जहाँ पर कल की इवेंट की तैयारी सब कुछ अच्छे से हो गया था। तभी उसे याओ का कॉल आता है, जो उसे आज घर पर डिनर पर आने के लिए कहता है और बताता है कि वो उसके पेरेंट्स के साथ ग्रोसरी खरीदने के लिए आया हुआ है। मॉम फिर याओ को यहाँ पर सब्जियाँ खरीदना सिखाने लग जाती है और उसे बोलती है कि कल जब चेंगमन के होटल में इवेंट खत्म हो जाएगा तो तुम अपने डैड को घर पर लेकर आना साथ में डिनर करने के लिए। जो सुनकर पहले तो याओ हेजिटेट करता है, लेकिन फिर मान जाता है। उसी वक्त मॉम को खांसी आने लग जाती है। वो बोलती है कि उस दिन वो डांस करते वक्त बारिश में भीग गई थी और आजकल उनके यहाँ कुछ ज्यादा ही जल्दी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो याओ बोलता है कि उसने ऑलरेडी इंश्योरेंस बाय किया हुआ है, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाकर अच्छे से चेकअप करवाएगा, जिस चीज के लिए मॉम उसके इंसिस्ट करने पर मान जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।